आज मैं आपसे जो बात कहने जा रहा हूं इस पे न कभी संसद में चर्चा हुई, न विधानसभा में चर्चा हुई है, न किसी हाईकोर्ट में चर्चा हुई है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई है, कोई नहीं बोलता इस पे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने सारे के सारे फेसबुक पे डालिए, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए। अगर आप किसी सांसद, विधायक, मंत्री, जज को जानते हैं उसको फॉरवर्ड करिए, किसी आईएएस आईपीएस को जानते हैं उसको फॉरवर्ड करिए। इस वीडियो को पूरे भारत में जरूर फैलाइए। भारत के संविधान में कुल 22 पार्ट हैं, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 22 तक। सारे पार्ट पे चर्चा होती है लेकिन पार्ट 2 पे चर्चा नहीं होती। पार्ट 2 कहता है सिटीजनशिप। इसमें आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक 7 आर्टिकल हैं, जिसमें आर्टिकल 5 में कहा गया कि चूंकि देश आजाद हुआ, इस समय जो लोग भारत में रह रहे हैं वो सब भारत के नागरिक कहलाएंगे। लेकिन आर्टिकल 11 में कहा गया कि संसद एक कानून बनाएगी और नागरिकता को परिभाषित करेगी। याद रखिए, नागरिक नहीं, नागरिकता, सिटीजनशिप। इस चैप्टर का नाम ही है, चैप्टर 2 का नाम है सिटीजनशिप। और आर्टिकल 11 में कहा गया कि यह पार्लियामेंट की ड्यूटी है कि वो एक सिटीजनशिप कोड बनाए। याद रखिए, आज की डेट में जो चर्चा हो रही है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की हो रही है, मैं यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड की बात कर रहा हूं। दोनों में अंतर है, समान नागरिक संहिता और समान नागरिकता संहिता। तो समान नागरिक संहिता पे चर्चा हो रही है, मैं समान नागरिकता संहिता की मांग कर रहा हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा हो रही है, मैं यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड की मांग कर रहा हूं और उसी की बात कर रहा हूं। अब भारत में जैसा प्रधानमंत्री जी ने बताया, 20 लाख करोड़ का अब तक घोटाला हो चुका, किसी की नागरिकता गई नहीं गई, क्योंकि हमारा कानून घटिया है। पार्लियामेंट को यह कहा गया कि आप एक सिटीजनशिप कानून बनाइए, और नेहरू जी ने 1955 में एक कानून बनाया, सिटीजनशिप एक्ट। लेकिन वो कानून इतना महाघटिया है कि आज तक न किसी बलात्कारी की नागरिकता गई, न किसी भ्रष्टाचारी की नागरिकता गई, न किसी गैंगस्टर की नागरिकता गई, न किसी ड्रग स्मगलर की नागरिकता गई। तो कानून ऐसा हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जिससे अपराध रुके, भ्रष्टाचार रुके, लेकिन दुर्भाग्यवश हमने भ्रष्टाचारियों की, अपराधियों की नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बनाया नहीं। तो इस देश में जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, एक सिटीजनशिप एक्ट बनाया जाए, नया सिटीजनशिप एक्ट बनाया जाए। उसमें क्या किया जाए, जो लोग समता, समानता, समरसता को नहीं मानते, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को नहीं मानते, इक्वेलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को नहीं मानते, डिग्निटी को नहीं मानते, उनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए, सीधी सी बात है। जो लोग फंडामेंटल राइट्स को नहीं मानते, आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 कहता है भेदभाव नहीं करना, आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर देना, आर्टिकल 21 कहता है सबको सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है, जो लोग उसके खिलाफ है उनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। जो कुरीतियों को बढ़ा रहे हैं, कुप्रथाओं को लेके ढो रहे हैं, उनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। हलाला जैसी कुरीति, मुताह जैसी कुरीति, मिसयार जैसी कुरीति, तहरुस जैसी कुरीति, जो लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं, उनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। भारत में 50% समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है, तो जो आदमी भ्रष्टाचार करे उसकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, ना किसी को सजा हुई, ना किसी की नागरिकता गई, तो खौफ कहां से पैदा होगा? जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 11 कहता है एक नागरिकता कानून बनाना चाहिए पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट ने बनाया भी, लेकिन वो इतना महाघटिया बनाया नेहरू जी ने कानून कि आज तक किसी की नागरिकता गई नहीं। बड़े से बड़े भारत में गैंगस्टर हुए, हाजी मस्तान हुआ, दाऊद इब्राहिम हुआ, उसके बाद भी और भी कितने सारे गैंगस्टर हुए मुंबई में, पूरे भारत में, किसी की नागरिकता गई नहीं गई। कश्मीर में जिन लोगों ने पलायन करने के लिए मजबूर किया, उनकी नागरिकता गई नहीं गई। जिन लोगों ने बंगाल से पलायन करने के लिए मजबूर किया, किसी की नागरिकता गई नहीं गई। जिन लोगों ने नागालैंड से हिंदुओं को भगाया, किसी की नागरिकता गई नहीं गई। जिन लोगों ने मिजोरम से हिंदुओं को भगाया, जिन लोगों ने मेघालय से हिंदुओं को भगाया, जिन लोगों ने लक्षद्वीप से हिंदुओं को भगाया, जिन लोगों ने केरल से हिंदुओं को भगाया, आज तक किसी की नागरिकता नहीं गई। क्यों? क्योंकि कानूनी नहीं है। जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार मैंने आपको बताया ना, 50% समस्याओं का रूट काज है। घुसपैठ का मूल कारण भ्रष्टाचार है, धर्मांतरण का मूल कारण कालाधन हवाला है। तो जो लोग भारत में धर्मांतरण कराते हैं उनकी आज तक नागरिकता गई नहीं। जो लोग घुसपैठियों की मदद करते हैं उनकी नागरिकता गई नहीं। जो भारत में घुसपैठिए रह रहे हैं उनमें किसी की नागरिकता गई नहीं। और क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि कानून नहीं है। तू तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती करने से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी।
ट्विटर पर लिखने से, फेसबुक पर लिखने से, सोशल मीडिया लिखने से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। नागरिकता तब किसी की जाएगी जब कानून होगा, और कानून हमारे पास है नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड की जरूरत है, समान नागरिकता संहिता की जरूरत है, और उसमें कंडीशन डाल दिया जाए। मैं कह रहा हूं 20 कंडीशन हो, 25 कंडीशन हो, कि भाई जो आदमी इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को नहीं मानेगा उसकी नागरिकता खत्म होगी। जो आदमी समता, समानता, समरसता को नहीं मानेगा, राष्ट्र प्रथम नहीं मानेगा, वंदे मातरम का विरोध करेगा, भारत माता की जय नहीं बोलेगा, उसकी नागरिकता खत्म होगी। जो हलाला, मुताह, मिसयार जैसी कुरीतियों को आगे बढ़ाएगा उसकी नागरिकता खत्म होगी। जो आदमी जमाखोरी करेगा, मिलावटखोरी करेगा, कालाबाजारी करेगा, नशा तस्करी करेगा, मानव तस्करी करेगा, उसकी नागरिकता खत्म होगी। अभी देखिए कानून बनते ही ना खौफ पैदा हो जाएगा। जो आदमी घुसपैठ कराएगा, घुसपैठियों की मदद करेगा, जो घुसपैठियों का आधार बनाएगा, राशन कार्ड बनाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट बनाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस बनाएगा, वोटर आईडी बनाएगा, पासपोर्ट बनाएगा, उसकी नागरिकता खत्म होगी। अभी तुरंत खौफ पैदा हो जाएगा। जो आदमी यहां पे भारत में विदेशी पंथ में कन्वर्जन कराएगा, एक स्वदेशी पंथ है, एक विदेशी पंथ है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, हिंदुज्म, ये भारतीय पंथ है, ये इंडियन रिलीजन है। इनमें तो समझ में आता ठीक है, जैन से हिंदू बन गया, जैन से सिख बन गया, सिख से हिंदू बन गया, हिंदू से बौद्ध बन गया, आपस में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो फॉरेन रिलीजन में कन्वर्जन करा रहा हो, इस्लाम में कन्वर्जन करा रहा हो, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन करा रहा हो, भारत विरुद्ध जो ऐसे रिलीजन में कन्वर्जन करा रहा हो जो इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी को मानते ही नहीं है, जो ऐसे रिलीजन में कन्वर्जन करा रहा हो जो सभी इंसान को एक समान नहीं मानते, ऐसे रिलीजन में कन्वर्जन करा रहा हो जो महिला पुरुष को एक समान नहीं मानते, ऐसे रिलीजन में कन्वर्जन करा रहा हो जो नफरत फैलाते हैं, जो कहते हैं कि केवल हमारा ही मजहब अच्छा है, बाकी सबका मजहब बेकार है, ऐसे रिलीजन में कन्वर्जन करा रहा हो जो कह रहा हो कि नहीं, जिसकी इबादत मैं करता हूं बस उसी की इबादत होनी चाहिए, दूसरे की इबादत हो ही नहीं सकती, ऐसे रिलीजन में जो कन्वर्जन करा रहे हैं उनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए, ये इसमें लिखा होना चाहिए जो कानून बने। ऐसे ही जो लोग कन्वर्जन करने में मदद कर रहे हैं, चाहे वो गेम बना के कर रहे हैं या बाइक उपलब्ध करा रहे हैं या किसी भी तरीके की मदद कर रहे हैं कन्वर्जन कराने वालों के, उनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। जो लोग नक्सलवाद, माओवाद फैला रहे हैं और नक्सलवादियों, माओवादियों की मदद कर रहे हैं, उनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। जो भारत में सरतन से जुदा का नारा लगाते हैं उनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। जो भारत में आतंकवादियों की मदद करते हैं, स्लीपर सेल का काम करते हैं, अलगाववादियों की मदद करते हैं, उनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। जिसके पास करोड़ों का कालाधन मिले, बेनामी संपत्ति मिले, आसरी संपत्ति मिले, उसकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं एक कानून, मात्र एक कानून ऐसा काम करेगा ना कि भारत में लोग भारत विरोधी काम करने से, इंसानियत विरोधी काम करने से खौफ उनके अंदर, मन में डर पैदा हो जाएगा कि सजा भी होगी और नागरिकता भी खत्म हो जाएगी। भारत में एक तरीके से वो रहेंगे, सजा पूरी करने के बाद रहेंगे, लेकिन उनको कोई राइट नहीं होगा, उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं होगा, उनको धंधा व्यापार करने का अधिकार नहीं होगा, उनको और किसी काम का अधिकार नहीं होगा, तब खौफ पैदा होगा। अभी तो क्या हो रहा है, अपराध भी कर दिया, 20 साल 50 साल मुकदमा चला, छूट के आ गए, उसके बाद अपना काम धंधा शुरू कर दिया, 10,000 करोड़ लूट लिया, उसके बाद 5 साल के लिए जेल में चले गए, लौट के आए, पॉलिटिकल पार्टी का टिकट खरीद लिया, सांसद, विधायक, मंत्री बन गए, सभासद बन गए, आप लालू का परिवार देख लीजिए। भ्रष्टाचार अगर खत्म हो जाए तो इस देश की 50% समस्याएं खत्म हो जाएंगी, और वो तभी खत्म होगा जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून हो और भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म करने का कानून हो। ये किडनैपिंग बंद हो जाएगी, अपहरण बंद हो जाएगा, बलात्कार कम, बहुत कम हो जाएगा, ये चैन स्नेचिंग, मोबाइल स्नेचिंग बंद हो जाएगी अगर हमने इसमें डाल दिया कि जो आदमी अपराध करेगा उसकी नागरिकता खत्म होगी, यानी सजा भी होगी, नागरिकता भी खत्म होगी। इतना करते ही मैं गारंटी के साथ कहता हूं 50% भ्रष्टाचार तो 50% अपराध इस कानून बनते ही खत्म हो जाएगा। जैसे अग्नि मिसाइल हमने बनाया है, अग्नि मिसाइल चलाया नहीं जा रहा, आज तक किसी ने चलाया नहीं, परमाणु बम बना के रखा हुआ है, चलाते नहीं है, लेकिन वो डराने के लिए बना रखा है कि भाई अगर कोई बदमाशी करेगा परमाणु बम फेंक देंगे, कोई बदमाशी करेगा अग्नि मिसाइल चला देंगे। वैसे ही नागरिकता वैसे सबकी खत्म नहीं होगी, लेकिन जैसे ही हमने नागरिकता वाला कानून बनाया, यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड बनाया, खौफ पैदा हो जाएगा, लोग भारत विरोधी काम करने से, देश विरोधी काम करने से, भ्रष्टाचार करने से, अपराध करने से, नक्सलवाद फैलाने से, अलगाववाद फैलाने से, माओवाद फैलाने से, जिहाद फैलाने से डरेंगे, अपने आप 50% कम हो जाएगा।